छतरपुर थाने में पथराव की घटना के बाद इस मामले के मुख्य आरोपी हाजी शहजाद अली के समर्थन में कांग्रेस खुलकर सामने आ गई है। छतरपुर थाने और पुलिस पर पथराव के सरगना हाजी शहजाद अली के अवैध बने घर पर बुलडोजर चलाया गया। अब कांग्रेस इस पत्थरबाजी के सरगना के पक्ष में सामने आई है। भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने हाजी शहजाद अली के परिवार से मुलाकात की। आरिफ मसूद ने बताया कि कुछ शिकायतें अन्य के नाम पर की गई हैं, जिस वजह से लोगों में डर बैठ गया है। लोग डरे हुए हैं, उस जगह पर कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस उन पर कार्यवाही करे जिन्होंने घटना को किया, लेकिन जिसने कुछ नहीं किया है उन पर डर का माहौल क्यों बनाया जा रहा है। सोचा भी नहीं था कि छतरपुर आएंगे और इस तरह परेशान लोगों को जाना होगा, लेकिन जाहिर है परेशान थे और उनका हाल पूछने भी जाना चाहिए था। उनके साथ जो बच्ची के साथ हुआ, बच्ची रो रही है, उसके पिता जेल में है, उसका मकान टूट गया और वो कहती है कि बेकसूर है। तो ऐसे लोग और भी हैं, और भी बहुत सारे परिवार मिले जिन्होंने बताया कि उनके साथ गलत हो रहा है। हम लोगों ने सबने मिलकर उनका सुनकर जिला प्रशासन को बताया कि ये गलत हो रहा है और बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो गलत हो रही हैं, आप वीडियोग्राफी के चेक करिए और वीडियोग्राफी के बाद अगर कोई कल्पेट है तो बिल्कुल उस पर कार्रवाई करें, अन्यथा ये भय का माहौल ख़त्म होना चाहिए। और छतरपुर की जनता से भी अनुरोध करूँगा और हम सभी लोग करेंगे कि हम लोग चाहते हैं जल्द से जल्द छतरपुर शांत हो। देखिए, आप लोग एक घटना पर लगे, हम कह रहे हैं जो घटना हो गई उस पर तो अब न्यायालय में तय होगा ना। मुकदमा दर्ज हो गया, जिन्होंने दर्ज घटना करी है FIR उनके नाम दर्ज हो गई, अब न्यायालय तय करेगा। हम लोग कैसे तय कर सकते हैं कौन गलत है कौन सही है, लेकिन उस गलती की बुनियाद को बनाकर बाकी लोगों को तो परेशान नहीं करना चाहिए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।